ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम। विषय है पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण की भूमिका। श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव श्री सिद्धांत दास और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ईश्वर सिंह। पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण की भूमिका से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप सीधे हमारे स्टूडियो में टोल फ्री नंबर 1800113663 पर फोन करके या SMS के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। SMS के लिए टाइप करें GOLD गोल्ड, फिर स्पेस दें, अपना प्रश्न, नाम और जगह लिखें और भेज दें 53010 पर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं SM रिजवान अहमद। 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब पूरे तरीके से पर्यावरण संरक्षण को तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन और उसके बाद के सालों में सरकार ने इस विषय की गंभीरता को समझा। पर्यावरण संरक्षण पर भारत सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन किया और कुछ नए अनुच्छेदों जोड़ा गया, जिसमें 48A और 51AG महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 48 सरकार को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे और उनमें सुधार का काम करे, और अनुच्छेद 51AG नागरिकों के लिए है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। आज वर्ष 2019 में कौन अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर रहा है, क्या चुनौतियां हैं इस संदर्भ में देश के सामने, ये हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सिद्धांत दास, जो कि इस वक्त पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव भी हैं, और उनके साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ईश्वर सिंह। सर, आप दोनों को नमस्कार, स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार। सिद्धार्थ साहब, जो अभी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, कितना गंभीर है ये मुद्दा और क्या सोच है लोगों में, अगर हाल के वर्षों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो? अगर आप देखेंगे ये पर्यावरण में जो संतुलन हम धीरे धीरे खस्ता नजर आता है जी, इसका ये कारण है कि हमारा मेन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, और इसके लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे हमने अपना जो फॉसिल फ्यूल जलाना शुरू कर दिया था, कोल, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 17th सेंचुरी में शुरू हुआ, पर धीरे धीरे हम आकाश में, हमारे वायुमंडल में हम जो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते गए, बढ़ाते गए। उसका ग्रीन हाउस गैसेस क्या कहते हैं, तो ज़्यादा उष्मता जो होती है पृथ्वी की, उसको बढ़ा देते हैं वो धीरे धीरे। पहले तो हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसका फीलिंग नहीं होता था। पिछले 100 साल में, मतलब 1900 से 2000 तक, हमने देखा कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर, वो आधी डिग्री, एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। तो हमको उसका फील होने लगा है कि भाई इसका इम्पैक्ट। तो आप देखेंगे दुनिया भर के जो पर्यावरण के नियम, वो सब लास्ट सेंचुरी के लास्ट हाफ में ही आए हैं। बराबर आपने अभी कहा कि भाई पहले नहीं था, फिर हमने 1972 के बाद स्टॉकहोम के बाद गया, स्टॉकहोम में पहले ये देखा गया कि भाई कुछ हो रहा है जी, तो आधा डिग्री बढ़ा था। पर अब क्या हो रहा है, अब सारे देश इसी काम में जुटे हुए हैं। अब जो तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ जो ग्रीन हाउस गैस बहुत बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो आधा डिग्री बढ़ा था 100 साल में, इस सेंचुरी के पहला 15 साल में ये 0.6 डिग्री बढ़ गया है। और ये अनुमान है कि 2050 तक ये 2 डिग्री बढ़ जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, 2 डिग्री अगर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसलिए पूरा सारा विश्व में ये चाहते हैं किसी भी तरह से उसको 1.5 डिग्री के अंदर रोका जाए। तो हम जिसे ये जो इतना पर्यावरण के हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो पूरा विश्व इसमें लगा हुआ है, इसी में लगे हैं कि हर हालत में हमको डेवलपमेंट चाहिए, पर फिर भी ऐसा ना हो कि पर्यावरण जो एमिशंस इतना ना हो कि हमारा 1.5 डिग्री से बढ़ जाए। तो 1.5 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो पुरुष में से 0.9 जा चुका है, हम 0.6 चला गया, अब 0.9 ही बचा है, तो इसी का अंदर हमको रोकना है। ईश्वर सिंह साहब, अगर देखें तो क्या ये एंथ्रोपोजेनेटिक कहा जा सकता है कि ये एक मसला है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम अधिकारों के प्रति तो काफ़ी सजग हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है, मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की बात आती है, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं या थोड़ा सा इग्नोरेंट हो जाते हैं।
डेफिनेटली ये बात तो सही है कि इसके ज़्यादातर रीजन तो एंथ्रोपोजेनिक ही हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटी जो भोगने की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं, जहाँ पर एक एसी चलाने की ज़रूरत है, एक घर में एक से भी काम चल सकता है, वहाँ पे तीन तीन चार चार एसी चलते हैं, तो बाहर जो उसका एग्जॉस्ट होता है डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है। इसी तरह से खाने पीने की भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें इस तरह की हो गई हैं कि हम जो संसाधन है, हमारे नेचुरल संसाधन है, उनका ऑप्टिमम यूज़ करने की बजाय मैक्सिमम यूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, चाहे वो पानी का कंजम्पशन हो या हवा का कंजम्पशन हो। अब देखिए, अगर एक रेन ड्रॉप या एक बकेट पानी अगर आपने बाथरूम में बचा रहे हैं, तो उसके पीछे की पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स देखिए कि कहाँ से वो पानी चलता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, पंपिंग होता है, उसमें सभी में एनर्जी खर्च होती है। तो एक बाल्टी पानी बचाने का मतलब ये है पूरे दिन में कि ना केवल आप एनर्जी बचा रहे हैं, बल्कि उस पानी को तो बचा ही रहे हैं, वो किसी ऐसे आदमी के पल्ले आएगा जो कि जिसके पास पानी का एक्सेस नहीं है। तो इसलिए अगर हम हमारी आदतों में थोड़ा सा सुधार कर लें और ये जो खपत है उसको थोड़ा सा भी कम कर लें, और जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसको रीयूज़ भी कर सकें, रिसाइकल कर सकें, तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा, क्लाइमेट चेंज की जो भी इल इफेक्ट्स हैं उसमें डेफिनेटली कमी आएगी। जी, हमारे साथ हमारे लिसनर्स भी जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में, उनके लिए उनको कॉल करना होगा हमारे टोल फ्री नंबर पे, नंबर है 1800-113-663-1800-11-3663, और SMS भी वो कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें टाइप करना होगा SMS मैसेज बॉक्स में जाकर GOLD गोल्ड और फिर स्पेस दें, प्रश्न नाम और जगह लिखकर उसे भेज दें 53010 पे। और आज के पहले श्रोता इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इंतजार कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी जयकिशन, मेरी आपसे प्रार्थना कि मेरे तीन क्वेश्चन है और उसको तीनों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं 20 साल से लगातार फोनिंग कार्यक्रम में अपने क्वेश्चनों को उठाता हूँ, सुझाव भी देता हूँ। जी जी, मेरी प्रार्थना आपसे है। जी जी, मेरा ये कहना है कि जंगल काटने से और 33-40 मंजिल बिल्डिंगें बनाने से विकास नहीं हो सकता, पर्यावरण को खतरा ही होगा, क्योंकि अभी एसी की आपने बात की, जो 30 मंजिल बिल्डिंगें बनी हैं तो उसके अंदर तो एसी लगनी ही है, और बल्कि ऑफिस में एसी ज्यादा लगते हैं, और वो खाली भी अगर कमरे पड़े हैं तो भी उनमें एसी चलते रहते हैं, चाहे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में देखें, डॉक्टर नहीं है तब भी उसमें एसी चल रहा है और कमरा बंद है। तो ये इस तरफ हमारे प्रशासन को ही देखना होगा, मैं तो जाके उसको शिकायत करता हूं तो कोई सुनता नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा मेरा यह है कि मैं साइकिल मार्केट में रहता हूं और मेरे सामने पार्किंग है, उस पार्किंग को 3 मंजिल नीचे ले गए और ऊपर जो है 800 की पार्किंग, 2000 लोगों की पार्किंग उन्होंने बना दी। हॉर्टिकल्चर ने इतने अच्छे पेड़ लगाए, गमले लगाए, घूमने की जगह बनाई, उस पार्किंग वाले ने उसको पूरा का पूरा मिटला मेट कर दिया, क्योंकि आजकल बिल्डर लॉबी है, पेड़ कोई लगाता नहीं, कहते आप ये हैं कि भाई अगर कोई एक पेड़ काटेगा तो उसको पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो बिल्डर लॉबी तो पैसा लेती जी है जी, आपसे बात और जी। उसको देती है। तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मैंने परिवार मंत्रालय को भी लिखा और मंत्री जी को भी लिखा कि आज पहले साइकिल का जमाना था, अब आ गया स्कूटी का जमाना, घर घर में 3 बच्चे, 3 के बाद स्कूटी है, तो क्यों ना उसको हम अगर बैटरी पे ले आए तो इससे पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। जी, पहला सिद्धांत साहब, इनका जो एक सवाल है एक ह्यूमन सेटलमेंट से जुड़ा है कि बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, तो बहुत सही जयकिशन जी, आपने जो प्रश्न पूछा ये बहुत महत्व रखता है कि आज के दिन में। मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ, भारत में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। भारत हमारा जो है विश्व के जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% एरिया है, पर हमारे पास जो है 17% के आबादी, जो ह्यूमन पॉपुलेशन 17% है विश्व का और 18% कैटल है। तो इसलिए हमारे इसके बावजूद भी भारत विश्व के 10 ऐसे देशों में है जहाँ टॉप 10 फॉरेस्टेड कंट्रीज और टॉप 10 कंट्रीज जिसमें फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ रहे हैं। ये बहुत बट मेरा ये कहना है, भारत में जो 24% हमारा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हमारा ऐसे तो 2.4% एरिया है लैंड एरिया, उसके ऊपर 17% आदमी है, इसलिए हमारा प्रेशर बहुत रहेगा।
पर हमारा जो आपने सही बताया कि आपका जो फॉरेस्ट काट के उसमें मंजिल बनाना, मंजिल बहुमंजिल इमारत बनाना गलत है, बिल्कुल मैं भी वही मानता हूँ। इसलिए हमारा एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जिसमें कहा गया है कि कोई भी फॉरेस्ट को उसको काटने के लिए आपको भारत सरकार की अनुमति चाहिए, पूर्व अनुमति चाहिए। और साइट स्पेसिफिक जो काम नहीं है, मतलब कहीं किसी को सिटी बनाना है, वो उसके लिए जंगल कतई नहीं दिया जाएगा। जहाँ मान लीजिए वहाँ वहीं पे ही करना है, और नहीं सपोज आपका कोई वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहीं पे ही बांध बांधना है तो वहाँ कंसिडर किया जा सकता है। पर अगर सिर्फ घर बनाने के लिए जंगल काटना हो वो परमिशन नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। हालांकि जो उनका सवाल था कि ACs चलते रहते हैं उसके लिए प्रशासन को खबर करनी चाहिए, मुझे लगता है कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें अपने मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन करने की ज़रूरत है, और ये खुद से शुरुआत करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ईश्वर सिंह साहब, इनके दो और भी सवाल थे। जी जय किशन जी, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है क्योंकि आप दिल्ली से हैं और मैं दिल्ली का प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दिल्ली में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट DG साहब ने बताया, उसके अलावा एक दिल्ली ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा जरूरत किसी पेड़ को काटने की पड़ती है तो उसके बदले में 10 पेड़ लगाने का प्रावधान है, एक पेड़ काटने के बदले में 10 पेड़ लगाने हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक AC का सवाल है कि कम से कम AC यूज़ किए जाएँ, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, हालाँकि यहाँ की रोड इतनी कंजेस्टेड है कि साइकिल चलाना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन एक तो डेफिनेटली हम लोगों को अपने आप को अवेकन करना पड़ेगा। हम इको क्लब्स के थ्रू स्कूल्स में कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं कि किस तरह से गाड़ी की पूलिंग की जाए। अगर फैमिली में चार मेंबर्स हैं और चार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन गाड़ी की पूलिंग कर ली जाए तो एटलीस्ट पोल्यूशन का लेवल भी कम हो जाएगा और पेट्रोल डीजल जो भी बचेगा वो उसका पर्सनल फ़ायदा है ही। लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर सहनशीलता हमें लानी होगी, बिकॉज हर आदमी को ऐसा लगता है कि मेरा एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए भले ही पोल्यूशन कितना भी क्रिएट हो जाए। तो सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली हमारी है, हमें यहाँ रहना है और पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का ग्रीन कवर 2001 से 2017 के बीच में डबल हो गया है, 150 स्क्वायर किलोमीटर था वो बढ़ के 305 हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पोल्यूशन को बढ़ाने में कोई कोताही बरतें। इसको हमें दो तरह के रास्ते अपनाने पड़ेंगे, एक तो ये है जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है सोर्स पे उसको कैसे कम किया जाए, वो होगा कि कम से कम रेड लाइट्स हों, गाड़ी की जो स्पीड है वो ऑप्टिमम स्पीड चले, तो रोड जितना एक्सपेंड हो सकते कर सकते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद एक्सपेंशन भी बंद हो जाएगा। फ्लाईओवर्स बने, DMRC बने, इनके लिए काफ़ी पेड़ कटे, लेकिन उन पेड़ों के काटने का हमें कोई दुख नहीं है क्योंकि उससे पोल्यूशन जनरेट होता है वो कम हुआ है और उसके बदले में 10 गुना पेड़ लगे हैं, इसीलिए ग्रीन कवर बढ़ा। अब जो पोल्यूशन क्रिएट हो गया उसको कम करने के लिए डेफिनेटली पेड़ ही है, पेड़ ही कार्बन सिंक है। तो ये टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी है कि कम से कम पोल्यूशन क्रिएट किया जाए और जो क्रिएट हो गया उसको अब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। हो सकता है कि ज़मीन अब दिल्ली में 5 या 4 साल बाद में अफॉरेस्टेशन के लिए नहीं बचेगी, तो हमें वर्टिकल फॉरेस्ट्री भी करनी पड़ेगी जिसमें भले ही बालकनी में आप पोटेड प्लांट्स रखें, क्लाइंबर्स लगाएं, बिकॉज जो भी ग्रीन प्लांट है उससे ऑक्सीजन तो मिलेगी ही, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को भी अब्जॉर्ब करेगा। दिल्ली में जो सर्दी के टाइम में जो हालत ख़राब होती है स्मोक और फॉग की वजह से, स्मोक उसमें ज़्यादातर SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में पॉल्यूशन के कण हैं चाहे वो डस्ट के रूप में हों उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरह के पेड़ पौधे लगा रहे हैं जंगलों में यमुना के किनारे कि वो डस्ट ट्रैपिंग का काम भी करते हैं, चौड़े पत्ते वाले पेड़ जैसे होंगे पीपल बर्ड, हाँ जी, तो वो उसके काले पत्ते हो जाते हैं बारिश में फिर वो धुल जाते हैं, उससे डस्ट जो सस्पेंशन में वो ट्रैप हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को, अपने घर के सभी मेम्बर्स को एजुकेट करना होगा कि ये भौतिकता वाला जो मामला है उसको कम से कम किया जाए, अपने भले ही थोड़ा सा कंफर्ट में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही जरूरी है कि जिस स्वरूप में हमें दिल्ली मिली थी कम से कम उस स्वरूप में तो हम अपने आने वाली जनरेशन को सौंपें इसे। बिल्कुल, और ये चीज़ें परिवार से शुरू हो सकती है। सिद्धांत साहब, खुद पॉलिटिकल थिंकर कॉल मार्क्स ने भी कहा था कि कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन बिना महिलाओं के नहीं हो सकता है क्योंकि महिलाएं एक संगठित परिवार बनाती हैं जो आगे चलकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ज़रूरत है कि ये शुरुआत हम अपने घर से करें और धीरे धीरे ये एक राष्ट्रव्यापी एक मूवमेंट के तौर पर ये शुरू होगा। एक हमारे साथ नवीन जुड़े हैं इस वक्त, कुछ उनके पास मैसेजेस हैं जो हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं। नवीन रिजवान, लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और ये सवाल स्पेशली पूछना चाहते हैं श्री सिद्धांत दास और श्री ईश्वर सिंह दोनों से। महेश अग्रवाल हैं, ये कहते हैं कि आप सभी को कार्यक्रम की शुभकामनाएं,
पौधे लगाने के लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन क्या इसके बाद पौधों के रखरखाव नहीं हो पाता है? और साथ ही ये पूछते जाते हैं कि पेड़ तो लगाए जा रहे हैं, उनके रखरखाव के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते होंगे, उसका क्या होता है? एक और सवाल है, वो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि एसी के कारण तापमान बढ़ता है, रेल में एसी है, मेट्रो में एसी है, और घर में एसी है, यहाँ तक कि जितनी गाड़ियाँ इस समय चल रही हैं सब में एसी है, क्या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जा रहा है? रिजवान जी, सिद्धांत साहब, हाँ देखिए, मेंटेनेंस आपने सही कहा, पेड़ लगाने से कुछ नहीं, जितना होता है उससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको मेंटेनेंस करना। तो जितने प्लांटेशन स्कीम्स होते हैं सरकारी, उसमें मेंटेनेंस की प्रावधान रहती थी। पहले जमाने, पहले कुछ साल, वो पहले 3 साल का मेंटेनेंस हुआ करता था, अब उसको 5 साल, किसी जगह पे 7 साल, कभी 10 साल तक होता है। क्योंकि पेड़ को तब तक पालना चाहिए जैसे हम बच्चे को पालते हैं, उसी तरह जब तक वो एक जो पौधा है वो जब तक पेड़ नहीं बन जाता है उसको हमको पालना चाहिए। और कैसे, सब जंगल में जो लगा रहे हैं पेड़ उसके लिए एक अलग तरीका होगा, पर वो शहर में जो लगा रहे हैं उसके लिए अलग तरीका है। बट इसमें ये है कि मान लीजिए, सपोज हम जो ब्लॉक प्लांटेशन करते हैं, एक इकट्ठा एक जगह पे प्लांट करें, मान लें तो 2 मीटर बाई 2 मीटर प्लांटिंग अगर करते हैं तो 2,500 पेड़ लगेंगे। पर वो पेड़ जैसे बड़े हो जाएंगे 50 साल के बाद, उनके लिए 2,500 पेड़ के लिए स्पेस नहीं रहेगा, वहाँ 200-300-400 पेड़ ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि सबको स्पेस चाहिए होता है। पर पहला 5 साल सबको सब हम बचाना चाहिए, ताकि वो नेचुरल कंपटीशन प्रोसेस में वो हो जाए, जो स्ट्रांगेस्ट जो है वही सर्वाइव करेगा। पर इसमें आपने जो कहा, जब इसको सर्वाइवल के ऊपर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पर इसलिए हम देखते हैं, हम आजकल वो सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग करते हैं। सपोज मिले बहुत जगह पे हम क्या करते हैं, उनका जो हम पहले जियो टैगिंग करते हैं और उसका सैटेलाइट इमेजरी 0th ईयर में, 1st ईयर, 2nd ईयर, उसको टाइम सीरीज फोटोग्राफ्स, उसको सैटेलाइट इमेजेस लेके देखते हैं, उसको सर्वाइवल कर। ये अभी अभी शुरू हुआ है, हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को हमने ये काम सौंपा है। तो जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं उसका सर्वाइवल कैसे रह रहा है, वो बिल्कुल कोई मैनुअल नहीं है, सैटेलाइट इमेजरी से उसके करेंगे। और पैसा जो खर्चा है बिल्कुल, आप देखिए, सपोज आप दिल्ली में एक पेड़ लगा रहे हैं, उसको अगर आप ट्री गार्ड नहीं देंगे तो उस रहेगा नहीं। सिमिलरली मान लीजिए स्कूल के अंदर लगाते हैं, स्कूल का अगर कंपाउंड वॉल नहीं है तो एक गाय आ जाएगा तो पूरा का पूरा प्लांटेशन एक साथ खा जाएगा। इसलिए हमको जो पेड़ का रखरखाव जो है, मेंटेनेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा सही मुद्दा उठाया है, और मैं चाहूँगा कि हम लोग जो बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब जब अभी शुरू हो जाएगा कल से वन महोत्सव, उसमें बहुत पेड़ लगते हैं, पर उसको मेंटेनेंस और उसका नेक्स्ट ईयर उसका क्या हुआ, उसके अगले ईयर क्या हुआ, उसको रखने का भी वो प्रावधान करें तो रहे बहुत अच्छा रहेगा। अगर दिल्ली के संदर्भ में बात करें ईश्वर साहब, तो यहाँ पे जो RWA के अंदर जो पेड़ लग रहे हैं या फिर स्कूल्स के अंदर लग रहे हैं, उसका रखरखाव किसके जिम्मे आता है? जी महेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखरखाव के बारे में उठाया। पिछली साल दिल्ली में 28 लाख पेड़ लगे थे सारी ग्रीनिंग एजेंसीज को मिला करके, यहाँ करीब 17 ग्रीनिंग एजेंसीज है। RWA तो हजारों में है, बट जो ग्रीनिंग एजेंसी हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मिलकर के पब्लिक के साथ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में 28 लाख पेड़ लगाए। इस बार का हमारा टारगेट 24 लाख है। तो लगाना तो जरूरी है, बट उसको सर्वाइव करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल्स कॉलेजेस में तो हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनके यहाँ पे एनवायरमेंट की क्लास होती है, एक एक बच्चे को एक एक पौधा दे दिया जाता है, उस पर उनके अंक भी दिए जाते हैं। लेकिन जो ग्रीनिंग एजेंसीज हैं, जो हजारों में लाखों में पेड़ लगाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है कि पेड़ लगाने से ज़्यादा ध्यान उसके मेंटेनेंस पे दिया जाए। भले ही थोड़े लगाए जाएं, लेकिन कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें। दिल्ली में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, रोड्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर्टिकुलरली सिटी के अंदर। तो वहाँ ट्री गार्ड का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसका 7 से 10 साल तक वाटरिंग करना, वीडिंग करना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, आपने AC का एक क्वेश्चन उठाया था। डेफिनेटली AC को अगर थोड़ा सा भी हम सावधानी रखें तो बिना कंफर्ट के कंप्रोमाइज़ किए हुए भी काफ़ी कुछ पोल्यूशन को या टेम्परेचर को हम कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 16-17 डिग्री पे टेम्परेचर हम रखते हैं, फिर गर्मी के महीने में चादर ओढ़ करके सो जाते हैं। इसकी बजाय उस टेम्परेचर को अगर हम 22-23 डिग्री रख दें तो बिजली भी बचेगी, टेम्परेचर राइज भी कम होगा, और उसमें भी टाइमर लगा दें कि 2 घंटे के लिए, इसकी बजाय कि वो पूरी रात जलता रहे। तो बहुत छोटी छोटी बातें, ऐसे पानी बचाने का है, बिजली बचाने का है। एनर्जी सेविंग का मतलब ही ये है कि आप जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको कम करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और एनर्जी, चाहे वो वायु से रिलेटेड हो
या पेट्रोल से रिलेटेड हो, हर चीज़ में गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। आसपास के मार्केट में हम 4-5 किलोमीटर तक भी पैदल चल सकते हैं, उससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, पेट्रोल भी बचेगा। तो जी, यानी लग्जरी का इस्तेमाल करें बट संयमित होकर करें। जी, एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं। हेलो। हेलो सर। जी नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार साहू। जी विजय जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप? छिंदवाड़ा जिला तहसील परासे गांव इकलहरा से बोल रहा हूँ सर। जी जी बताएं विजय साहब। और सर मैं चाह रहा हूँ कि आप जिस पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे के बारे में, तो ये पेड़ पौधे कहाँ से मिलेंगे? पेड़ पौधे कहाँ से मिलेंगे सिद्धांत साहब? आप देखिए, ये जो आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं, आपके वहाँ जो हैं फॉरेस्ट में रेंज ऑफिसर होंगे, फॉरेस्ट है ना, हर जगह आपका उनका नर्सरी होता है और उनका एक स्कीम रहता है जो बांटने के लिए पौधे बनाए जाते हैं और कुछ नॉमिनल फीस भी रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को फ्री में मिलता है तो उसको नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए कोई नॉमिनल फीस लगाते हैं, 1-2 रुपया ऐसा करके रखते हैं, पर ये मिलता है। और हमारे बहुत जगह, हम भारत सरकार भी चाहती है, सबको ये इनक्रेज करते हैं, जितना लोगों के पास से ही मिले। तो आप देखेंगे हर ब्लॉक में तो एक तो है ही है नर्सरी, जहाँ से आपको ये मिल सकता है, और सरकार के ये स्कीम्स भी हैं जिसमें से हम लोगों को पौधा मिल सकता है। जी यहाँ पे ईश्वर साहब, दिल्ली में कहाँ मिलता है ये पौधे? दिल्ली में हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की 14 नर्सरीज हैं, पूरे शहर में लोकेटेड हैं, उनकी लिस्ट भी हमने हमारी जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर भी डाला हुआ है, और दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी है, वहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का है, हम सब्सिडाइज रेट पे नहीं देते, फ्री में देते हैं। उसके अलावा एक दिल्ली गार्डन एंड पार्क सोसाइटी है, उसकी भी एक नर्सरी है, वो भी फ्री देते हैं, और बाकी जो एजेंसीज हैं CPWD MCD, उनके यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पर डेकोरेटिव प्लांट्स भी मिल जाते हैं, श्रब्स हर्ब्स भी मिल जाते हैं। हम बेसिकली ट्री की जो सैपलिंग्स हैं, ट्री वैरायटी, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन 14 नर्सरी से कोई भी जाकर के सीधे नर्सरी में चले जाए, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, वहाँ बहुत सिंपल फॉर्म है, वहीं पर भर के दें, अपनी चॉइस का प्लांट सेलेक्ट करें और लेके जाएं और लगाएं। अभी एक फोन कॉल के बाद उसकी वेबसाइट आपसे जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता बाकायदा वेबसाइट पर चेक करके उस नर्सरी में डायरेक्ट जा सकें। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? धर्मवीर, गांधीनगर दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ। जी बताएं धर्मवीर साहब। एंड हमारे ये मेहमान आए हैं, इनको भी मैं नमस्कार करूंगा, और मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगर हम समाज के लोग, नागरिक लोग ही अगर इस चीज के लिए ही जुड़े कि हम पर्यावरण को बचाएं, और अच्छे अपनी अपनी तरफ से हम क्या सहयोग दे सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने अपने छत पे 150 पौधे लगा रखे हैं जी, और आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ, नर्सरी से जाता हूँ, पौधे लाता हूँ, और इस सीजन में भी पौधे लाने का और विचार है, अभी बरसात होने पर मुझे उन्होंने बुलाने के कहा है। आप ये बताइए कि कम पानी में कौन से पौधे ज्यादा अच्छे पनप पाते हैं, और एक मैं सुझाव भी देना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से या ऐसा किया जाए, हर दिन हम मार्केट में रहते हैं, तो हमारा इधर मार्केट है, तो हर 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 स्टेट में दुकानें हैं, हर दुकानदार के पास 2 या 4 गमले दुकान के बाहर रखे होने चाहिए, जिससे पूरी हरियाली और ग्रास भी आए तो हरियाली देखे, और इस तरह से इस बढ़ावा देना आप लोगों को चाहिए, थोड़ा आपको भी इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, दुकानदारों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, अपनी दुकानों पर आ जाते हैं और घर से तो दूर हो जाते हैं 8 घंटे 10 घंटे, तो दुकानों पर भी इनको पौधे रखवाने चाहिए। बिल्कुल, सुझाव के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य आप निर्वहन करें इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धांत साहब, ये जो नागरिक कैसे आम नागरिक इसमें प्रतिभागी बन सकता है? जी धर्मवीर जी नमस्कार, मैं तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप अपने घर में ही इतना पौधा लगा रहे हैं, यही जो है हमारे जो देश को सबसे आगे कर रखा है। आप अगर देखेंगे सारे विश्व में, भारत एक अग्रणी देश है जहां हम ट्री कवर और फॉरेस्ट को बचाए रखे हैं, उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, और इतना पॉपुलेशन प्रेशर होने के बावजूद इसका एक श्रेय सबसे जाता है लोगों को, जो कम्युनिटीज़ हैं, आप जैसे लोग हैं, आप लोगों के सहायता से ये हो रहा है। और पूरा का जो मैं कहूँगा, पूरा सरकार का तो काम ही यही है, पर इसका जो सक्सेस है, इसके लिए मैं कम्युनिटीज़ और आप जैसे लोगों को पूरा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। और आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कि कौन से पेड़ ऐसा लगाएं
जिसको आप कम से कम पानी से रहें और बचे। आप देखिए जो ज़ेरोफाइटिक स्पीसीज है जिसमें मोटे मोटे पत्ते होते हैं, जिसमें वो सब कम पानी में होते हैं और उसको अब्जॉर्ब करते हैं। और दिल्ली में तो ऐसा हो गया, ईश्वर सिंह साहब बताएंगे कैसे क्या करना है, पर उसमें हम को अभी जो वर्टिकल गार्डन्स, रूफ टॉप गार्डन्स, इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा। और आपका सुझाव जो है सब दुकान में पौधे रखना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ये एक अच्छा सुझाव है ईश्वर साहब। अभी जो इनका सवाल है, हालांकि प्रोग्राम से पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली एशिया के एक अगर ग्रीन सिटी की बात करें तो बेशक यहाँ पोल्यूशन है, लेकिन इसका भी अपना ग्रीन सिटी में भी दिल्ली का अपना मुकाम है। धर्मवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं दिल्ली स्पेसिफिक बताता हूँ कि हमारी नर्सरी में करीब 78 वैरायटीज के ट्रीज हैं, उसके अलावा श्रब्स हैं और मीडियम हाइट के पेड़ हैं वो अलग हैं, फ्लावरिंग वाले अलग हैं। तो जहाँ तक ये किस वैरायटी का पेड़ लगाया जाए, इसके लिए वातावरण तो इम्पोर्टेंट है ही कि कितनी ह्यूमिडिटी रहती है, कितना टेम्परेचर सर्दी गर्मी में जाता है, उसके अलावा सोइल कंडीशन भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो ये विनती है कि इस बारे में अगर सलाह लेनी हो तो जो लोकल रेंज ऑफिसर है उसको भले ही आपकी साइट की विजिट भी करवा दीजिए। कई बार हम दिल्ली में ये देखते भी हैं कि जिसने ज़्यादा 500-700 पेड़ लिए हैं तो उसकी ज़मीन किस तरह की है और कौन से पेड़ उसके लिए उपयोगी होंगे। अगर वो अपनी चॉइस दे देते हैं तो हम उनको सैपलिंग दे देते हैं, अदरवाइज उनकी रिक्वेस्ट पर उस जगह को जा कर के देखते हैं कि वो फ्लडिंग जोन है, यमुना के किनारे जैसे फ्लडिंग भी होती है, वहाँ दूसरे किस्म के पेड़ लगेंगे। कहीं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वहाँ दूसरे किस्म के जो पोल्यूशन अबेटिंग स्पीसीज है वो लगेंगे। और कहीं पर कम पानी, जैसे रिज में सोइल की जो डेप्थ है वो बहुत कम है, पानी भी कम है, तो वहाँ पे जीरोफिटिक टाइप के प्लांट जो अरावली का जो वेजिटेशन है वो उस तरह का लगता है। तो इसके लिए जो लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर है वो सबसे उपयुक्त इंसान है जो आपको इस बारे में सलाह दे सकता है पूरे कंट्री के सिलसिले में। जी एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? मानवेंद्र साहू बोल रहे हैं, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। जी मानवेंद्र जी स्वागत है, बताइए। जी सर जी, पेड़ पौधे लगाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय है जो पर्यावरण विभाग है, इसकी कोई योजना है क्या जिससे लोगों को सहायता मिले? जी सहायता मिले योजना की बात करें। जी मानवेंद्र जी नमस्कार, ये आप सही कह रहे हैं कि पर्यावरण में भारत सरकार, आप देखिए पर्यावरण विभाग में जो है उसमें वन विभाग भी एक होता है। वन जो है ये होता है कंकरेंट लिस्ट में, इसमें राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही जिम्मेवार हैं। जो हमारे जो पॉलिसी बनाते हैं भारत सरकार उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा दो तरह का स्ट्रेटेजी है, एक जो हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं उसको कैसे उसका ज़्यादा घनत्व उसको बढ़ाए, उसका डेंसिटी, उसको क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, और दूसरा हमारा ये है कि जंगल के बाहर खेतों में जो वेस्ट लैंड पड़े हैं फार्म फॉरेस्ट्री के जरिए, एग्रो फॉरेस्ट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। क्योंकि आप देखेंगे अगर ये वुड जो है ये सबसे बढ़िया सबसे अच्छा रिसोर्स होता है, आप स्टील है या प्लास्टिक है इसके लिए बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बट पेड़ ऐसा चीज है, एक एंटिटी जो पेड़ हो या कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी है वो वायुमंडल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, उसमें से कार्बन को अपना बायोमास बना लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो यही जो कार्बन जो हम एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करती है जो पेड़, उसी को हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो ये नारा है भारत सरकार का, ग्रो मोर वुड यूज मोर वुड, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वुड का इस्तेमाल करें। मन की बात, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें भारत के जन जन की बात होती है, और ये सिलसिला शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे भारत की जनता से और साझा करेंगे अपने मन की बात, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे। जनशक्ति पर मेरा अपार विश्वास रहा है, लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया, जो समझाया, जो जाना, जो अनुभव किया, उससे मैं कह सकता हूँ कि हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा जनशक्ति अपरंपार होती है। याद रखिएगा रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। इस समय आप सुन रहे हैं फोनिंग कार्यक्रम विजय है, वृक्षारोपण की भूमिका। और श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
भारत सरकार में महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव श्री सिद्धांत दास और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ईश्वर सिंह। कार्यक्रम का संचालन रिजवान कर रहे हैं और रिजवान हमारे पास फिर मैसेज आ रहे हैं, उनमें से एक श्रोता है वो ये जानना चाहते हैं कि बिल्डर जो लगातार बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं और वृक्षों को काटे जा रहे हैं, क्या उन पर किसी तरह की पेनल्टी होती है या उनको किसी तरह से कहा जाता है कि अगर आप इतने पेड़ यहाँ से काटेंगे तो उतने पेड़ वहाँ पर लगाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, दूसरे एक श्रोता है वो जानना चाहते हैं कि जब भी हम कोई मकान खरीदने जाते हैं, बिल्डिंग लेने जाते हैं, तो वहाँ पर एक होता है कि FFR एरिया, ये क्या होता है जी? सिद्धांत साहब, पहला सवाल आपसे लेंगे कि बिल्डर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, क्या पेनाल्टी इम्पोज होता है या इतने पेड़ के बदले इतना पेड़ लगाना है, ये ऐसे नियम है? देखिए, बिल्डर्स जो लगाते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो अगर फॉरेस्ट एरिया में है तो बिल्डिंग नहीं बना सकते, ये तो पता है। अगर वो जंगल डिक्लेयर्ड है, जिसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, या नोटिफाइड फॉरेस्ट होने ना होने पे भी अगर जंगल उसको बताया गया है तो उसमें वो नहीं कर सकते हैं। पर अगर वहाँ जंगल एरिया नहीं है पर पेड़ हैं, तो हम उसको ये कहते हैं कि आप ऐसा प्लान बनाए, बिल्डिंग प्लान, जिस कम से कम पेड़ कटे। और बहुत जगह पे हमारे बहुत सारे स्टेट में है कि उनका ये है, अगर पेड़ काटेंगे तो उसका 5 गुना या 10 गुना पेड़ उसको लगाएं, और अपना जो बिल्डिंग अगर कॉलोनी टाइप के बन रही है तो आप उसमें भी पेड़ लगाने की प्रावधान उसका बिल्डिंग प्लान में रखें। बिल्कुल, अब जबकि इतने सारे टाउनशिप बन रहे हैं ईश्वर साहब, मोस्टली ग्रीन कवरेज या ग्रीन एरिया उसमें ऑलरेडी डिफाइंड होता है पहले से जी। और इनका पहले तो एक FAR के बारे में पूछा था, ये FFR नहीं, FAR होता है जी, फ्लोर एरिया रेशियो, मतलब जो टोटल प्लॉट का एरिया है जो बिल्डर को अलॉट किया गया है उसमें वो कंस्ट्रक्शन कितना करेगा और खाली कितना रखेगा, वो कंपलसरी होता है उसके, वो ये FAR मेंशन होता है जब वो अप्रूव्ड प्लान होती है, प्लान जब अप्रूव की जाती है तो उसमें लिखा जाता है, इसको इंश्योर करना होता है, अदरवाइज ये इलीगल है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। जहाँ तक दिल्ली स्पेसिफिक का सवाल है, यहाँ पे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो तो प्रपोजल डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट के पास आता है, और हर केस में जहाँ चाहे एक पेड़ कटना हो या 1000 पेड़ कटना हो, उसकी साइट इंस्पेक्शन की जाती है, वन अधिकारी वहाँ पर जाता है और जो एजेंसी प्रपोजल देती है उसको पूरा अध्ययन करने के बाद में, फील्ड विजिट करने के बाद, उसकी कोशिश होती है कि एक एक पेड़ को बचाया जाए। जो बिल्डिंग की लाइन में आ गया है, जो प्लान अप्रूव्ड है, उसको तो डेफिनेटली बचाने में मुश्किल होती है, लेकिन उसको भी काटने की बजाय प्राथमिकता हमारी होती है कि अगर वो ट्रांसप्लांटेबल लिमिट में है, एज उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है या उसकी वेराइटी ऐसी है कि उसको आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सके, तो हमारा इंटेंशन ये होता है उसको काटने की बजाय किसी दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ताकि उस जगह पर हमको एक इंस्टेंट ट्री मिल जाए, और हर पेड़ काटने के बदले में एक के बदले 10 पेड़ लगाना बहुत अनिवार्य होता है। तो नंबर वन फॉरेस्ट ऑफिसर जो भी जाता है वो इस मामले में बहुत कंजर्वेटिव तरीके से काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाया जाए, जो नहीं बच सकते उनमें से जितने ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो सके वो करें, और 10 times जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, उसका पैसा भी उसी बिल्डर को या उसी एजेंसी को देना होता है, उसका मेंटेनेंस हम 7 साल तक मेंटेनेंस, प्लांटेशन, उसकी फेंसिंग, वाटरिंग, वीडिंग, सभी का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो दिल्ली में इस वक्त गवर्नमेंट एजेंसी के लिए 57,000 रुपया पर ट्री फेलिंग है। मतलब एक सैपलिंग के लिए, एक के बदले 10 सैपलिंग लगती है, तो एक सैपलिंग के बदले लगाने के लिए हम 5,700 रुपया लेते हैं 7 साल का मेंटेनेंस, उसमें ट्री गार्ड भी होता है, वाटरिंग वीडिंग भी होता है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जिसको अपना घर बनाना है तो उसके लिए 34,500 रुपया पर ट्री फेलिंग है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो प्लांटेशन खुद करना चाहे तो खुद कर दे, अगर नहीं करे तो हम सिक्योरिटी को फॉरफिट करके उसमें वन विभाग फिर ये इंश्योर करता है कि एक के बदले 10 प्लांट लगे जी। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे, हेलो। हेलो जी, नमस्कार, मैं पीसी नागपाल हंस अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, ईस्ट अर्जुन नगर से जी। नागपाल, सबसे पहले तो आकाशवाणी को सबको बधाई दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि जब ये नए नए, जैसे यमुना के पुल पे मेरठ हाईवे बना था, जिससे एक नया सा पुल भी बनाया गया, उसको बहुत अच्छे से पेड़ों से सजाया गया, एक आध हफ्ते के बाद जाके देखते हैं तो एक भी पेड़ वहां नहीं मिलता है। अब आप ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग में कोई अगर नई बिल्डिंग बनती है तो एक पेड़ काटे तो 10 लगते हैं, लगाए जाते हैं, इसका भी कोई पक्का पता नहीं चलता, लगाए जाते हैं कि क्या होता है, वहां गली मोहल्ले बन जाते हैं जहां अधिक से अधिक बिल्डिंगें बन जाती हैं, वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन सरे राह जो रोड के ऊपर से पेड़ गायब हो जाते हैं, बजाय पेड़ लगाने के, उन्हीं को बचा लिया जाए तो क्या काफी नहीं है?
और उनको बचाने के लिए अब करेंगे क्या, क्योंकि बहुत देखा है नए नए विकास मार्ग बने हैं, जैसे वो जो पलवल की तरफ एक नया रोड बना है, यहाँ बना है मेरठ हाईवे बना है, बहुत सारे रोड बने हैं, फिर जगह यमुना के जो पुल पे है या अन्य फुटपाथ पे जगह बहुत है, और सरकार की भी कोई बात नहीं, पेड़ भी बहुत लगा रहे हैं, लेकिन उठाने वालों को क्यों नहीं रोक पा रहे? जब तक ये नहीं होगा तो चाहे कुछ भी कर ले पर्यावरण में सुधार आ, क्योंकि पर्यावरण मोस्टली खुले में होता है, हवाएं खुले में चलती हैं, सब कुछ खुले में होता है, गली मोहल्ले में कुछ भी कर लें, लेकिन अगर रोड पे सुरक्षा नहीं है पेड़ों की तो कैसे कौन करेगा? नागपाल जी, आपका कंसर्न बहुत वाजिब है, हम इसका बड़ा आदर करते हैं, और आपने जैसा कहा कि जो पेड़ लगते बिल्कुल ओपन में होते हैं, वो अंडर लॉक एंड की नहीं होते, इसलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, लेकिन क्योंकि वो ओपन में होते हैं और मान लीजिए फेंसिंग भी उसकी अच्छी तरह से की हुई है, लेकिन किसी ने बदमाशी से फेंसिंग हटा दी, उसमें किसी जानवर को घुसा दिया, तो जो मेहनत किसी भी ऑफिसर ने 5-7 साल के लिए की है, एक एनिमल काफ़ी है 1000 पेड़ को डैमेज करने के लिए, सिर्फ 10 मिनट अगर उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन चलो, जो भी समस्याएं हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पे बचाए जाएँ, और अगर कोई मोर्टेलिटी हो गई, पेड़ मर भी गया, तो उसको रिप्लेस किया जाए जब जैसे ही अगला प्लांटिंग सीजन आता है, और उसमें प्रॉपर फेंसिंग का इंतजाम किया जाए, चाहे वो ट्री गार्ड हो, चाहे बारबेड वायर फेंसिंग हो, या किसी की परमानेंट जमीन है तो उसमें मैसोनरी वॉल भी बनाई जा सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बच सकें। मेरठ हाईवे के पास में जैसे आपने बातचीत किया है, तो जब भी कोई नया रोड बनता है या पुराने रोड का एक्सपेंशन होता है, तो उसके बगल में दोनों तरफ जो लैंड होती है उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी या PWD, स्टेट का PWD, वो प्लांटेशन करता है, वो तो एक एडिशनल है, लेकिन जितनी लैंड उसमें फॉरेस्ट की लैंड आती है, उसके डाइवर्जन के बदले में उतना ही इक्विवेलेंट लैंड कहीं और भी देना पड़ता है जहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये बेसिकली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम सिटीजन्स जो है, हमको भी बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ेगा, चाहे वो बच्चों को समझाने की बात हो या आस पड़ोस के लोगों को समझाने की, कि ये प्लांट हमारे लिए है, क्योंकि अंडर लॉक एंड की भी नहीं है, तो ऑक्सीजन तो सभी को मिलती है, तो सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम उन पेड़ों को बचाएं। और ऐसे किसी इंसान को अगर देखते हैं, तो हम सब का कर्तव्य है कि वो जिस एजेंसी ने प्लांटेशन किया उसके नोटिस में लेके आएं, पुलिस के नोटिस में लेके आएं, ताकि कुछ शरारती तत्वों को अगर वो जानबूझकर डैमेज कर रहे हैं, उनको दंडित भी किया जा सके। एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। मैं धर्मवीर दोबारा से फोन कर रहा हूँ। सर, मैं एक मैसेज देना चाह रहा था कि हमारे यहाँ एक पहले लक्ष्मी सिनेमा हॉल हुआ करता था, जी जी, तो वो हो गया बंद, उसके अंदर पेड़ थे, अब वो प्लांट के अंदर ये पेड़ काट के इन्होंने क्या करा, 4 दीवारी बना के अंदर ही अंदर पेड़ काट दिए, और इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं ये लोग, इस पे आप जरा एक्शन लीजिए और इस पे देखिए क्या हो रहा है। और दूसरा एक छोटा सवाल और रह गया था, हम जमुना के किनारे रहते हैं, यहाँ पूरा किनारा पूरा खाली पड़ा है, आप इसके ऊपर वन विभाग कुछ अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, आप अधिक से अधिक पेड़ लगाए, और पहले कहते थे ना कि राजगीर के लिए पेड़ की छाया में बैठना बहुत अच्छा सुविधाएं होता था गर्मियों में, तो जो चौराहे हैं जहाँ गाड़ियां रुकती हैं लाल बत्ती होने पर, वहाँ आदमी गर्मी में इतना परेशान हो जाता है, तो आप ये सोचिए ऐसी जगहों पे भी पेड़ लगाने का आपकी तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जाए, इससे आने जाने चौराहों पर राजगीर को सभी को गर्मियों में आराम मिले। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, हालांकि आज की तारीख में वक्त की कमी की वजह कर कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता, हर कोई जल्दी में है, लेकिन एक अच्छा सवाल है धर्मवीर साहब, शुक्रिया। हाँ धर्मवीर जी, यमुना के किनारे की जो बात करें, पिछली साल यमुना का किनारा जो, उसको ओजोन बोलते हैं, और वो सिर्फ प्लांटेशन के लिए, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती, वो पूरा DDA का लैंड है, DDA हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी देता है, अपने आप भी प्लांटेशन करता है। पिछली साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेले ने, DDA ने जो हमको जमीन उपलब्ध करवाई थी, उसमें करीब 1,00,000 पेड़ लगे हैं, 100 हेक्टेयर के करीब जमीन हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जो लैंड डाइवर्ट हुई थी जिसमें पेड़ कटे थे, उसके बदले में दिया गया था। वो प्लांटेशन बहुत ही अच्छे, अगर गढ़ी मांडू की तरफ अगर आप जाएं, पॉकेट ABCD, बहुत अच्छा प्लांटेशन है, सर्वाइवल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यमुना के किनारे पेड़ बहुत अच्छी तरह से चल जाता है, सोइल डेप्थ बहुत है, मॉइस्चर भी रहता है, लेकिन फिर भी यमुना के किनारे काफ़ी जमीन है जिसका DDA ओनर भी होता है, तो DDA खुद भी अपनी, उसने काफ़ी प्लांट्स बना रखे हैं, और हमको इस बार भी उन्होंने करीब 70 हेक्टेयर जमीन दिया है जिसपे हम इस साल प्लांटेशन कर रहे हैं, उसमें एक मैसिव प्लांटेशन ड्राइव भी करेंगे। जी सिद्धांत साहब, अभी बरसात का मौसम आ रहा है, मैदानी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की देश के अंदर अपनी समस्याएं हैं, क्या एक रोड मैप तैयार किया है इस संदर्भ में? देखिए, ये जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं, देखिए अब आज के दिन में देश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो ड्राउट के चपेट में हैं। जी,
वो क्यों पानी की कमी होती है, जो वाटर स्ट्रेस क्यों होता है? एक जो पानी जो हम बरसात में मिलती है वो उसका एक हिस्सा वो जमीन के नीचे जाके ग्राउंड टेबल को रिचार्ज करना होता है जी। और एक हिस्सा सरफेस के ऊपर जाके स्ट्रीम में जाती है। अब क्या हो गया है कि हमारा सॉयल कंपैक्शन हो गया, जंगल नहीं कट गए, पेड़ कट गए, तो जो जमीन के अंदर जो पानी जाता था वो नहीं जा पा रहा है, तो वो सारे के सारे सरफेस के ऊपर जा रहे हैं। उसके लिए जो सॉयल इरोजन, जो कटाव होता है मिट्टी का, वो होता है। और जो हमारे स्ट्रीम्स हैं वो बरसातों में फ्लडिंग हो जाता है, फिर वो ड्राई हो जाता है। जो पानी हमारा धीरे धीरे, मान लीजिए 4 महीने में जो पानी नदियों में जाती है, उसको अगर 8 महीने में जाता तो क्या होता, नदी भी अविराल रहता है और वो स्वच्छ भी रहता है। पर हमारा इसके लिए क्या, इसलिए हमारा एक चाहिए कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट। तो जितने हमारा ड्राउट एरिया है उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट में जितने सभी एरिया के कैचमेंट रहता है उसको माइक्रो कैचमेंट करते हैं। सभी माइक्रो कैचमेंट मिलाएंगे तो पूरा रिवर सिस्टम का मेजर कैचमेंट बनता है जी। पर हम अगर माइक्रो कैचमेंट में अगर आप अगर देखेंगे तो माइक्रो कैचमेंट को अगर ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि जो पानी जो मिलता है बारिश में जो पानी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम जमीन के नीचे से बहाव कराएं, सो दैट वो जो पानी जो ग्राउंड टेबल को रिचार्ज करें और जमीन के नीचे से धीरे धीरे फ्लो करके रिवर सिस्टम में जाए, तो रिवर सिस्टम भी अविराल रहेगा। इसलिए हमने ये कराया है। इस बार हमने पूरा देश के जितने ड्राउट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और उसमें इस बार पेड़ों के जरिए, बिकॉज वृक्षारोपण ऐसा है जो पानी को नीचे जाने देता है, उसी की वजह से होता है। तो हम ऐसे करेंगे जो सॉयल कंजर्वेशन वाली जो स्पीसीज है उसी को माइक्रो कैचमेंट में ऐसा लगाएंगे कि हमारा जो जब इसको जो ट्रीटमेंट होगा, इसका बहुत सफल भी हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। एक जल स्वावलंबन योजना था राजस्थान सरकार की, उसमें बहुत उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लोगों के जो कुएं में जो पानी नीचे चला गया था वो धीरे धीरे ऊपर आ गया है। ये हम चाहते हैं कि पूरा विश्व राज्य में देश में ये हो जाएगा तो हमारा पानी के अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बुनियादी सवाल है कि जो स्टेज वन है, जिसे आज महाराष्ट्र और बल्कि भारत के कई हिस्सों में एक ड्रॉट प्रोन सिचुएशन बना हुआ है, तो स्टेज वन में प्लांटेशन इसको कैसे जोड़ा जाए, चूंकि पानी तो वहाँ आम लोगों को दस्तयाब नहीं है, तो फिर प्लांटेशन प्लांट के लिए कैसे किया जाए? जो प्लांट से पहले तो आइडेंटिफाई करना है वो माइक्रो कैचमेंट कहाँ है, कहाँ से पानी रिसीव होता है। उस पेड़ को आपको इरीगेशन नहीं करना पड़ता है, आपको जो बरसात में जो पानी आएगी इनका ये प्लांटेशन का ये काम होगा, इस पानी को सरफेस के ऊपर बहने से बजाय उसको जमीन के नीचे से बहाव हो जी, तो उसको स्प्रिंग होके बाहर निकलेंगे या ग्राउंड वाटर टेबल में जाएंगे। ग्राउंड टेबल में जाने से फिर वही किसान को ही मिलेगा वो पानी, उधर वही से नीचे, तो वो सबसे। पर ये अभी प्रॉब्लम होगा, ड्राउट इसीलिए हो रहा है कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और इतना तेज से पानी जाता है स्ट्रीम्स में, तो सिर्फ बरसातों में ही स्ट्रीम चलती है, फिर इसके बाद ड्राई हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो स्ट्रीम्स पूरा साल सालों भर चलते रहें और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो उसे जी। रिजवान, एक मैसेज हमारे पास आए हैं, ये महेश अग्रवाल हैं, ये पूछना चाहते हैं कि पौधे लगाते समय लोगों को जानकारी दें कि उसमें कितना पानी और कितना खाद देना है ताकि वो पौधा मुरझा ना जाए और लगातार बढ़ता रहे। एक और मैसेज हमारे पास है, वो जानना चाहते हैं कि स्मृति वन जो वन है उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लोगों को जागरूक किया जाता है कि स्मृति वन में आके पौधे लगाए जाएं? और एक और मैसेज हमारे पास है, ये जानना चाहते हैं कि क्या मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधे भी लगाकर इसमें योगदान दिया जा सकता है? जीश्वर साहब जी, महेश जी, आपके 3 क्वेश्चन थे, मैं मेडिसिनल प्लांट का पहले लेता हूँ। हमारी नर्सरी में मेडिसिनल प्लांट की भी बहुत वैरायटीज हैं, और कायदे से देखा जाए तो जो नेचर में पेड़ होता है उसके हर एक की कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू तो होती ही है, लेकिन क्योंकि सारे प्लांट हर इंसान नहीं लगा सकता, जगह की भी कमी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लगा सकती, तो कितनी जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से छोटी झाड़ी नुमा मेडिसिनल प्लांट भी लगाए जा सकते हैं, मेडिसिनल ट्री भी लगाए जा सकते हैं। ये हमारी नर्सरी में भी हैं, दिल्ली का जो गार्डन एंड पार्क सोसाइटी उसकी नर्सरी में भी है और हॉर्टिकल्चर की नर्सरी में भी है। तो ये छोटे छोटे जितने भी स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे हम मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि बड़े पेड़ के लिए ज़्यादा जगह जरूरत पड़ती है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए कम जगह है, तो ये नर्सरी से लिया जा सकता है जो जो अवेलेबल है। फिर आपने स्मृति वन की बात किया, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है स्मृति वन का, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा होता है, तो इसमें हम उस प्लांट को जो लगाते हैं उसमें अपने आप को ऑन करते हैं कि ये मेरा प्लांट है,
क्योंकि किसी की याद से वो जुड़ा होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। सरकार के अलावा भी जो इंडिविजुअल एजेंसीज हैं, चाहे वो RWAs हों, कोई NGOs हों, उनको भी स्मृति वन स्मृति वाटिका के नाम से डेवलप करें, और जितनी भी सरकार से सहायता उपलब्ध हो सकती है, जैसे वन विभाग पौधे आपको 100% फ्री देगा, जितने भी चाहिए, हज़ारों में चाहिए हज़ारों में मिलेंगे। और एक आपने कहा कि खाद मिट्टी कितनी डालनी चाहिए, देखिए आइडियल तो ये है, मैं दिल्ली के हिसाब से बता दूं, जहाँ जगह अवेलेबल है वहाँ तो आप और भी ज़्यादा स्पेस यूज़ कर सकते हैं, बट एक तो जब गड्ढा खोदते हैं उसमें 2 फीट बाई 2 फीट बाई 2 फीट या 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा होना चाहिए, उसमें सोइल वर्क हो, फिर उसमें जो खाद मिलाते हैं वो एटलीस्ट अगर 1/3 खाद हो, खाद का मतलब गोबर का खाद, मैं कंपोस्ट खाद की बात कर रहा हूँ, वो उसमें मिला करके थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि सन से उसका एक्सपोजर हो, गड्ढा खोद के बारिश से पहले हम लोग रख देते हैं। अभी हमने करीब 3 लाख गड्ढे ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो प्लांटेशन करना, हमने गड्ढे खोद करके रखे हुए हैं जी जी, ताकि उसकी कंडीशनिंग भी हो जाती है। और फिर उसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है दीमक की, दीमक लगती है तो उसमें जो पहला वाटरिंग हम करते हैं उसमें क्लोरोपाइरोफोस मिलाते हैं, वो मार्केट से एक दवाई आ जाती है, उस पर उसके इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं कि 1 बाल्टी में 2 ढक्कन डालने हैं, और फर्स्ट वाटरिंग उसी का करना चाहिए ताकि दीमक के जो अंडे हैं वहीं ख़त्म हो जाएं। जी एक और श्रोता इस वक्त हमारे साथ लाइन पे, हेलो सर नमस्कार, मैं सर दिल्ली से संजीव बोल रहा था। जी संजीव साहब जी। जी सर, देखा गया कि जो भी सरकार होती है वो निःशुल्क बिजली पानी उपलब्ध करवाती है, उससे उसका दुरुपयोग ज्यादा बढ़ता है, उससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, फिर फुटप्रिंट बढ़ता है, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। सर दूसरा, मैंने देखा कि दिल्ली में सड़कों के मध्य में कॉन्क्रीटेशन किया जाता है, तो सर उसमें अगर पेड़ पौधे लगाए जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और सर ये हरित राजमार्ग क्या होते हैं? सर एक बार दिल्ली के संदर्भ में क्वेश्चन था, सर दिल्ली में अभी ये ग्लैच की कर हटा के पिलखन नीम वगैरह जैसे हमारे जो कदम के पेड़ थे ये लगाने की घोषणा हुई थी, सर इस पर कब तक अमल हो पाएगा? जी जी, आपका एक तो सवाल कंक्रीटाइजेशन है, आपने ज्यादातर सवाल दिल्ली से रिलेटेड पूछे हैं, तो कंक्रीट का जहाँ तक सवाल है, हमने सारे डिपार्टमेंट्स को, इंडिविजुअल्स को अभी अखबारों में भी एक बार दिया, अभी नेक्स्ट वीक फिर निकालेंगे। जो प्लांट हम लगाते हैं या जो एग्जिस्टिंग ट्री है उसमें कम से कम 1 मीटर के रेडियस से, 1 मीटर का रेडियस का मतलब 2 मीटर उसका डायमीटर होगा, उतना ओपन स्पेस छोड़ना है। उसका फ़ायदा ये है कि ट्री की हेल्थ एंड विगर के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जो रेनफॉल होता है वो भी कम से कम उस कच्चे पोर्शन में अंदर जाएगा, तो कम वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ भी प्लांट की अच्छी होगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसलिए इस पर हमने फ़ाइन भी लगाए हैं, जो कंक्रीटाइजेशन जिन्होंने कर रखा है उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं और उन्होंने नहीं हटाया, तो उस पर फ़ाइन लगाया है। कहीं कम जगह है तो कम से कम 2 फीट की दायरे में तो उसको खाली छोड़ना ही चाहिए। अच्छा, विलायती कीकर का आपने क्वेश्चन किया, ये बेसिकली देश की आज़ादी से पहले ही पर्टिकुलरली रिज में इसकी सीड सोइंग की गई थी, और उस वक्त शायद इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि उस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा था, तो डेफिनेटली ग्रीन प्लांट तो है ही। लेकिन हम इसको हटाने की बजाय, हटाना तो क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा 1/3 ग्रीन कवर दिल्ली का विलायती कीकर का है जी जी, इसको हम सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो साइड ब्रांचेज है उसको काट करके जो हॉरिजेंटल स्पेस क्रिएट होता है उसमें दूसरी स्पीसी जो आपने बताई लोकल यहाँ की अरावली की है या नॉर्थ इंडिया की स्पीसीज है वो हम लगा रहे हैं, ताकि विलायती कीकर धीरे धीरे कम हो जाए और ग्रीन कवर पर भी कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो। जी सिद्धांत साहब, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल जहन में आया कि वृक्षारोपण तो होता है लेकिन अगर देखा जाए तो वनों में आग लगने की भी घटनाएं काफ़ी होती हैं, बल्कि इस साल ही अगर सरकारी आंकड़ों को लें तो जनवरी से अब तक 28,000 इंसिडेंट हुए हैं जहां पर फॉरेस्ट फायर के केसेस हुए, इसको कैसे टैकल करें? देखिए बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया है, वन के आग जो लगती है उससे बहुत डैमेज होता है, पर एक वन गुड थिंग हमारे जो ये है कि भारत में जितना आग लगती है वनों में वो ग्राउंड फायर होती है जी, तो इसलिए वो रिवाइव कर जाता है, जो एरिया सिस्टम वो अपने आप को रिवाइव कर लेता है। पर इसके जो रिपोर्टिंग होती है उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, हमारे जो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं, सैटेलाइट जो पास होते हैं, दिन में 6 बार हमारा सैटेलाइट इमेजरी से हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उसको तुरंत कर लेता है और रियल टाइम बेसिस पे यहां आग लगी है उसका लैट लॉन्ग उसको लेके हमारे 50 अभी लोग हैं, 50,000 SMS लोगों के पास है, इवन कोई भी जा सकता है उसमें, उनको तुरंत चला जाता है मैसेज कि भाई आपकी यहाँ आग लगी है दिन में 6 बार।
तो उनको आपको जो है फर्श का तो वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को पहले आग को लगा तो पता दो तीन चार दिन के बाद पता चलता है, अब रियल टाइम बेसिस पे पता चल जाता है, वो तुरंत वहीं पे जाते हैं। पर हमारा जो आग लगाने बुझाने के जो तरीके हैं उसको और सुधार करने की जरूरत है, उसके लिए हम तत्पर हैं उसमें। बिल्कुल जरूरत है एक बेहतरीन डेटा मैनेजमेंट की, चूंकि जितना ज्यादा हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे उतना बेहतर नतीजे आएंगे। और आप ईश्वर सिंह साहब और सिद्धांत दास साहब, आप दोनों स्टूडियो में बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। अभी आप फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण की भूमिका। स्टूडियो में उपस्थित थे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव श्री सिद्धांत दास और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ईश्वर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे SM रिजवान अहमद। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पंकजपति पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये